दोस्तों, दो स्त्रियां आपस में बात कर रही थी एक दुकान पर खड़ी हुई, और वह दुकान थी फलों की दुकान। केले के भाव पूछ रही थी और दुकानदार बता रहा था कि यह केले 60 रुपए दर्जन हैं और यह केले 50 रुपए के एक दर्जन हैं। अब दोस्तों, केलों में अवश्य फर्क था। एक केले थोड़े बड़े थे, अच्छे थे, दूसरे केले छोटे थे और कुछ काले रंग के हो गए थे। लेकिन वे स्त्रियां आपस में बात कर रही थी कि चलो बहन, अब 50 रुपए वाले ही ले लेते हैं, मंदिर में ही तो चढ़ाना है। उनकी यह बात सुनकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। अब मंदिर में ही तो चढ़ाना है, बात केले की नहीं, बात फल की नहीं, बात अच्छे और बुरे की नहीं, अब बात आ जाती है भाव की। अब उनका भाव क्या था कि यही ले लेते हैं ना, 50 वाले ही, भगवान को ही तो चढ़ाना है मंदिर में। अब दोस्तों, इस प्रकार के भाव रखने वाले को क्या फल मिलता है, यह आप ही जाने। मैं थोड़ा अपने विषय पर आ जाता हूं। इसी प्रकार के बहुत से व्यक्ति हुआ करते हैं, जहां कोई नोट नहीं चलता, रुपया नहीं चलता, फटा हुआ है, पुराना है, भगवान की आरती में या भगवान के दान पात्र में डाल दिया करते हैं। अब ये उनकी समझ है, जैसा करते हैं वैसा उनको फल भी मिलता है। हमारा आज का विषय है कि हम अपने भगवान के चरणों में क्या चढ़ाएं, क्या प्रसाद चढ़ाएं कि भगवान अत्यधिक प्रसन्न भी हों और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कटें और सब कार्य हमारे जीवन में भली प्रकार से होने लगे। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो सकता है। मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करता है, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाता है, पकवान भी बनाता है, किसी को पेड़े का, किसी को लड्डू का, किसी को इमरती का, किसी को रसगुल्ले का, आप भोग भी लगाते हैं और तरह तरह से अपने भगवान को प्रसन्न भी करते हैं। आज बात मैं कर रहा हूं कि दोस्तों, ईश्वर को आप चाहे कुछ भी बना करके चढ़ाएं, वह आपका एक अलग विषय है। लेकिन ईश्वर कभी भी अपनी बनाई हुई कृति को ही पसंद करते हैं, और ईश्वर की बनाई हुई कृति है पेड़ों पर लगने वाले फल या सूखे हुए फल। ये दोनों ही ईश्वर की कृति में आते हैं। इन दोनों कृतियों को यदि आप ध्यान में रखते हैं और रोज भगवान को भोग लगाते हैं, तो एक कृति का खर्चा आप शायद वहन ना कर पाए। अब दूसरी कृति रह जाती है, ऋतु अनुसार, मौसम के अनुसार पाए जाने वाले फल।
अब दोस्तों ऋतु के अनुसार जो फल होते हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि अगर कोई भी फल स्वस्थ होकर बड़ा होता है यदि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी तो वह फल पहले ही खराब हो चुका होगा, और जो फल खराब हो चुका होगा उसे चढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों अब हम यह बता रहे हैं आपको कि आप ईश्वर को जो फल चढ़ाएं तो वो फल ईश्वर को तो आप चढ़ाते ही हैं, परंतु वह फल चढ़ाने के बाद जाते कहां है? रोज आप फल चढ़ाएं वे फल कहां पर जाएं? डॉक्टर यदि किसी मरीज को यह कह दे कि भाई तुम शीघ्र ठीक हो जाओगे, यह फल रोज खा लिया करो, तो दोस्तों डॉक्टर के आदेश अनुसार वह फल खाएगा, लेकिन इसी फल को यदि आप दिनचर्या का हिस्सा बना लें आपका शरीर भी स्वस्थ होने लग जाएगा और आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ने लग जाएगी। लेकिन डॉक्टर की बातों को आप एक दो बार ध्यान में देंगे उसके बाद इसे भूल जाएंगे, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं यदि आप भगवान को अपने पूजा स्थान में ही जो भी भगवान की मूर्तियां हैं उनमें यदि आप यह प्रसाद यानी 5 फल रोज चढ़ाने लग जाएं, वे चाहे अलग अलग प्रकार के हों चाहे एक ही प्रकार के हों चढ़ाएं, तो उन्हें जल छिड़क करके चढ़ाएं। चढ़ाने के समय अपने पास में जल का पात्र अवश्य रखें। आप आंख बंद करके और सिमरन करें और विनय करें कि हे प्रभु आप इन फलों का भोग लगाइए। 1 मिनट के बाद आंखें खोलिए और थोड़ा जल चम्मच से छिड़किए जैसे आचमन करवाते हैं। दोस्तों यह विधि यहां तक है कि यहां तक अपने प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हो। अब यह फल जो चढ़ेंगे इनका करना क्या है दोस्तों? दोस्तों यह फल जब आप अपना भोजन खा लेते हैं यानी कुछ देर के बाद 2-3 घंटे बाद आप वहां से फल को उठाइए और अपने परिवार में वितरित कर दीजिए। अब भगवान फल थोड़े ना खाते हैं, भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ फल में तो और शक्तियां लगाकर वो आपको प्रदान करते हैं। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता उन फलों में थी उसमें और शक्तियां भरकर भगवान ने आपको लौटा दी। अब आप उन फलों को खाएंगे तो आप और अधिक स्वस्थ रहने लग जाएंगे, किसी भी प्रकार की व्याधियां भी आपके पास नहीं आएंगी। दोस्तों इसे कहते हैं आम के आम और गुठली के दाम। यानी अब जब आपको ही पता है कि इन फलों को हमने ही खाना है तब आप भगवान पर रोज फल चढ़ाना भूलेंगे नहीं, क्योंकि अब तो यह फल रोज चढ़ाना पड़ेगा, तो रोज चढ़ा देना और उन फलों को स्वयं ग्रहण कर लें। आपका जाता क्या है दोस्तों, आपको तो शक्तियां और अधिक होकर प्राप्त हो रही हैं, आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है और डॉक्टर के आदेश का भी पालन हो रहा है, एक साथ आपके कई कार्य सिद्ध हो रहे हैं दोस्तों।
दोस्तों यदि आप ऐसा नियमित करने लग जाते हैं तो समझ लेना कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप भी कटने लग जाएंगे और आपका यह जीवन भी सुधरेगा और अगला जीवन भी सुधरेगा। अब आप पूछेंगे कि यह प्रयोग कब से शुरू करें और कितने दिन करें, तो दोस्तों जितने दिन अच्छा लगता है कर लें, जब याद रह जाए चढ़ा दिया करें, उन्हें स्वयं ग्रहण कर लिया तो ईश्वर को सबसे अत्यधिक प्रिय है प्रसाद में फल जो उनकी बनाई हुई कृति है, वे अपनी कृति को ही स्वीकार करते हैं। दोस्तों आप ऐसा करना और इसका पूर्ण लाभ उठाना, अच्छा लगता है तो आपके लिए सिर्फ इतना ही। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं शीघ्र ही नए अंक में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।